बैठ जाओ तो उठा नहीं जाता, उठ जाओ तो खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़े हो गए चला नहीं जाता, चल रहे हैं झुका नहीं जाता, झुक गए तो सीधा नहीं हुआ जाता, सीधे हो गए बैठ नहीं पाते, लेट गए उठा नहीं जाता, उठे हुए हैं तो लेटा नहीं जाता, लेट गए तो लेट के बैठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे। इसका कोई एक पॉइंट हो तो हमें बता दीजिए, इसका कोई उपाय बता दीजिए ताकि हम सही हो जाएं। और पॉइंट चाहिए केवल एक, तो क्या ऐसा संभव है या संभव नहीं है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान आज यहाँ पर हो जाए। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे क्यूप्रेशर, जिसमें छोटी मोटी समस्याओं की तो ढेरों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो गंभीर समस्याएं हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो उसके लिए मैं पॉइंट न बता के उसके लिए एटलीस्ट अवेयरनेस दे देती हूँ कि भाई इसको आप समझ लो और इसके बाद अपना अपने हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब वो ट्रीटमेंट चाहे आप हमारे पास से लें चाहे आप कहीं और से लें। हमारे पास से लेना चाहते हैं तो सामने ये मैं अभी कभी दिखा देती हूँ, ये ऑनलाइन का नंबर है, क्योंकि तो बाद में आप कमेंट करते हैं कि नंबर दे दीजिए, जबकि वीडियो में लास्ट में मैं नंबर देती ही हूँ। तो आप अभी देख लीजिए, ये रहा नंबर, पहले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दीजिए, कॉल मत करिए, हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मुश्किल हो जाती है कान वगैरह में शाम होते होते। तो मैसेज करके थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ये तरीका है। अब आइए कि इतनी वीडियोस बनी हैं, कमर दर्द का पॉइंट का आपने क्यों नहीं बताया? कुछ लोग तो इतने भी दावे करते हैं कि मैडम बाकी चैनल पे तो बताए थे। तो भाई बाकी चैनल पे अगर कोई बता रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, लगा रहे हैं, तो लगाइए ना। मेरे से क्यों मांग रहे हैं? कह रहे हैं वो पॉइंट काम नहीं कर रहा, आप जो बताती हो वो बड़ा भयंकर काम करता है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी खांसी पर, कि आपको खांसी की आवाज़ सुनाई दी कहीं से भी कान में, आपने पॉइंट उठाया और लगाया, एक दो तीन, 3 सेकंड के अंदर खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। तो ये कोई क्लिक बैट नहीं था, कोई मजाक नहीं था, कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, ये एक्यूप्रेशर का क्या था, उसकी पावर थी। लेकिन किन केसेस में, तो हमने वहां भी बताया था कि अगर आपको कैंसर हो गया, न्यूमोनिया है, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी का अस्थमा है, तो वो नहीं ठीक हो जाएगी। केवल खांसी ठीक होने की बात मैंने करी है, क्योंकि यहाँ का कफ इमीडिएट वो पॉइंट निकाल देगा। तो 3 सेकंड आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो यहाँ मैं डाल दूंगी, देख लीजिएगा। अच्छा, क्यों नहीं देख पाते आप हमारी सारी वीडियोस? आज मैंने देखा, सामने लगा रही हूँ, जरा देखिए कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और कितने लोग देखते हैं हमें बिना सब्सक्राइब किए। तो भाई आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब कर लो, उसको करने से फायदा आपका है, मेरा नहीं है। मेरे फायदे के लिए कुछ भी मत करना आप, मेरा फायदा उठाना, लेकिन मेरे से, मेरा जिसमें फायदा हो वो काम कोई मत करना, ठीक? आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके आपका भला करना है। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जब भी कोई वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते? सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैं दिखा देती हूँ, और साथ में बेल आइकन ऑल का दबा दीजिए। अगर पर्सनलाइज या इधर उधर का दबा दिया तो सब्सक्राइब तो हो जाएगा लेकिन फ़ायदा आपको फिर भी नहीं मिलेगा। तो ये काम अपने फ़ायदे के लिए कर लीजिए, अपने फ़ायदे के लिए तो सभी करते हैं, ये वीडियो भी आप अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। तो अब आ जाइए, सीधे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। समस्या है कि कमर दर्द का एक सिंगल पॉइंट हमें बता दीजिए। तो पहले मैं पॉइंट बताऊं उसके पहले जरा बता देती हूँ, उसके कारण सुन लीजिए, अब वो कारण आप हमें बताइए, और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि इसका कोई एक पॉइंट हो सकता है क्या। तो देखिए, कारण जो है कमर का वो बहुत सारा है। नंबर वन पे आइए, कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण जो हर समय परेशान होते हैं आप, वो होती है स्पाइन की अपनी समस्या, ठीक है? स्पाइन की अपनी समस्या क्या है? स्पाइन स्टेनोसिस, स्पाइन का वहां पर हार्ड हो जाना, कड़ा हो जाना, बल्जिंग और रप्चर्ड डिस्क, जो डिस्क है वो रप्चर हो गई हो, फट गई हो,
या बल जो खो गई हो, बाहर निकल आई हो, जिसे हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, वर्टिब्रल डिस्क फ्रैक्चर हो सकता है कि फ्रैक्चर हो गया हो वहाँ पे। अच्छा, ये फ्रैक्चर आपको कभी कभी पता भी नहीं होता है, फ्रैक्चर हो गया, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जब जांच कराने का पता चला यहाँ पर एक फ्रैक्चर आया हुआ है, तो फ्रैक्चर है ये। इसके अलावा मसल में स्ट्रेन आ गया हो, स्प्रेन हो किसी तरीके का, शाटिका अगर है आपको तो भी ये दर्द होगा। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं आपके, वाइल सिटिंग इन चेयर्स, लंबे समय तक बैठे हुए हैं, तो इस बैठने में क्या होता है उसका कारण भी मैं बताऊंगी। तो मोर देन 50 तो नहीं, 80% लोग तो आज की वीडियो देख के ऐसे ही ठीक हो जाने हैं, बिना किसी पॉइंट वाइंट के ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो इसके मैं इसको मैं डिटेल में बताऊंगी, पहले रीजन बता देती हूँ फिर इसके बारे में बताती हूँ। तो लंबे समय तक जब आप बैठे हुए हैं तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बता दूंगी। पुअर पोस्चर, झुक के बैठे हुए हैं। अब अगर ये मेरा हाथ सीधा है तो कहीं पर प्रेशर आएगा नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये प्रेशर कहाँ, यहाँ पर आना शुरू होगा, है ना। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है, पुअर पोस्चर। तो अगर आपका पोस्चर ही पुअर है, अच्छे से नहीं बैठते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है आपके कमर दर्द का। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की वजह से यहाँ कोई इन्फ्लेमेशन आया हो, परेशानी आई हो, तो भी आपको दर्द होगा। ओबेसिटी, आपके शरीर का पूरा भार, पूरा वजन आपके कमर पे पड़ रहा है, तो इससे आपको हो सकती है कमर में परेशानी। हर्निएटेड डिस्क मैंने बता दिया, डिस्क डिजनरेशन हो गया हो उससे दर्द होगा। डिस्क में एक प्रॉब्लम होती है स्पोंडिलोलिस्थेसिस, मतलब एक किनारे सरक जाना, ये एंटेरो हो सकती है, एंटेरोलिस्थेसिस या पोस्टेरोलिस्थेसिस भी हो सकती है। तो ये कारण भी हो सकते हैं आपके स्पाइन कमर के दर्द के। एक कमर का दर्द हो सकता है कि आपके स्पाइन में इन्फेक्शन आ गया हो, एक हो सकता है अबनॉर्मल शेप ऑफ द स्पाइन, आपकी स्पाइन में स्कोलियोसिस हो गया हो, या काइफोसिस हो गया हो, या लोर्डोसिस हो गया हो, ये भी फैक्टर हो सकता है आपके कमर के दर्द का। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बैक पेन, इन्फ्लेमेशन आ गया, चाहे चोट से आया हो चाहे किसी भी बात से आया हो। इसके बाद है कैंसर ऑफ द स्पाइन, ब्लैडर इन्फेक्शंस। अब ये स्पाइन से संबंधित नहीं है, दर्द कमर में आ रहा है लेकिन कारण आगे है, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, या गाइनी प्रॉब्लम, अगर वो फीमेल है तो गाइनी प्रॉब्लम हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, कोई फाइब्रॉइड वगैरह हो सकता है, उसका बैक प्रेशर आपके कमर दर्द को करता है कॉज। इसके अलावा किडनी में स्टोन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, पोस्चर रिलेटेड सच एज इम्प्रॉपर बेंडिंग, स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर, बैठने में या खड़े होने में आपका पोस्चर अगर गड़बड़ है, इससे भी कमर का दर्द होगा। बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करना ठीक है, लेकिन वेट लिफ्टिंग को गलत तरीके से किया, एक तरफ से खींच लिया, टेढ़े हो गए, भरी हुई बाल्टी एक तरफ से उठा लिया, अच्छा होगा दोनों हाथ उस पकड़ कर उठाइए, एक साथ आपने उठाया और गड़बड़ हो गई। तो वेट लिफ्टिंग, फ्रीक्वेंट बेंडिंग फॉरवर्ड, बार बार आगे झुकने का कोई काम है, बार 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 बार, और आपकी स्पाइन है कमज़ोर, तो वहाँ से भी आपको कमर में दर्द आ सकता है। कोई चोट लग गई हो उससे आ सकता है। और एक देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, ये वो मैंने नोट करके रखे हैं कि कोई भी एक भी चीज़ मिसिंग ना हो, इसमें भी बहुत सारी चीज़ मिस हो गई होगी क्योंकि कमर दर्द है ही ऐसा। अगर आप को कोल्ड एक्सपोजर हो गया, जब आपको ठंडी लगती है ना तो आपका गला पकड़ लेता है, आपको खांसी आने लगती है, ऐसे कमर में अगर ठंडी आए तो वहाँ आपको जकड़न, दर्द और भारीपन होने लगता है, तभी ठंडी शुरू होगी और कमर में दर्द आएगा। और एक होता है शाम के बाद अगर आप एक्सेसिव वाटर इनटेक करते हैं, ये कारण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और ना तो कोई बताएगा, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि अगर आपने यहाँ तक देख लिया है वीडियो,
ये कारण आपको पता चल गया है तो आज के बाद आपको कभी दर्द होगा ही नहीं, बिना किसी पॉइंट के। ऐसे वो नुस्खा बताने जा रही हूँ। तो एक्सेसिव वाटर इनटेक आप ना करिए। अब आप कहेंगे क्यों ना करें, पानी से कमर के दर्द का क्या संबंध है, पानी कम पिएंगे तब भी तो डिस्क डेसिकेशन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ रात के टाइम ना पीजिए, बाकी पीजिए, दिन भर पीजिए, खूब पीजिए, रात के टाइम ना पीजिए। क्यों? क्यों का जवाब ये है कि दो एग्जाम्पल देती हूँ। स्पंज है, स्पंज में आपको क्या करना है, ये मेरे पास वर्टिब्रा की गद्दी मिल गई। अब आपको क्या करना है, आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं ना, ऊपर नीचे बोन्स है ना, ये आप बैठे हुए हैं, ये क्या है, पिचक गई। अभी आप क्या हुए, खड़े हो गए, तब भी पिचकी हुई है। अब आप लेट गए, लेट गए तो स्पाइन ऐसी हो गई है ना। अब इसका प्रेशर पड़ेगा क्या, नहीं, खुल जाएगी। अब इसमें हमने क्या किया, पानी डाल दिया, दिन में पानी डाला तो ठीक था, दिन में पानी डाला और हम खड़े हैं बैठे हुए हैं तो ये पानी अपना निकलता रहा। क्या हुआ हमारा, ये हमारी लोडिंग है, ऊपर से हम प्रेशर लगातार डाल रहे हैं। लेकिन रात में जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद आप सोते हैं, स्पाइन आपकी ऐसे हो गई, दिन भर कैसी थी, ऐसी थी, ऐसे बताती हूँ, आप सारे एग्जाम्पल मेरे आसपास हैं, ऐसी स्पाइन है और इसके बीच में मैं इसको लगा दे रही हूँ, यही तो है ना आपकी स्पाइन। तो आप खड़े हुए हैं तो पिचकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीने के बाद बता रही, वैसे तो दिक्कत ही दिक्कत है अगर अर्थराइटिस वगैरह है तो। अब रात में आपने ऐसे कर लिया तो अब कोई प्रेशर तो इस पर पड़ा ही नहीं, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब पानी जा रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रही है डिस्क आपकी, और ये फूल के पता है 3-3 4-4 सेंटीमीटर मोटी हो जाती है, फुल एकदम टाइट। अब आप सुबह जैसे ही उठेंगे, ये आप सुबह उठ गए, खड़े हो गए, और जैसे ही झुकेंगे क्या होगा, ये बाहर स्लिप कर जाएगी। किस लिए, क्योंकि ये फूली हुई है। तो सुबह सुबह कमर में दर्द, झुका नहीं जाएगा, ब्रश नहीं कर पाएंगे, टॉयलेट में बैठना मुश्किल का काम, कोई एड़ी उठा के बैठ रहा है, कोई आधा बैठ रहा है, कोई कमोड का इस्तेमाल कर रहा है, झुका नहीं जा रहा है। आधे से ज़्यादा लोगों की जड़ ज़्यादा पानी पीने से इसके फूल जाने की वजह से होती है। तो अगर शाम के बाद पानी पीना कम कर दें, जल्दी खा लें 8 बजे के आसपास, और 1-1.5 घंटे बाद पानी पियो, पानी पी के सो जाएं अपना आराम से बाद में, तो उससे क्या होगा कि पानी उतना नहीं मिलेगा इसको, ये फूल नहीं पाएगी बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, दिन भर जो ये पिचकी हुई है, रात में सोने पर क्या होगा, ये धीरे धीरे अपनी नॉर्मल शेप ले लेगी। सुबह आप उठेंगे, फर्स्ट क्लास उठ के अपने काम पे जाएंगे, टॉयलेट करिए, ब्रश करिए, झाड़ू पोछा करिए, कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये काम एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो डिस्क है वो बीमारों कमज़ोर आप कर चुके हैं बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से, तो एक दिन में हो सकता है ना आए। लेकिन धीरे 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 ये जैसे जैसे अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, आपका कमर दर्द हमेशा के लिए हो जाएगा ठीक। और दूसरा, कोल्ड एक्सपोजर के लिए, अगर कोल्ड एक्सपोजर है, ठंडी लग रही है, तो सिंपल सा है कि ये कोई भी गर्म चीज़ या चादर कमर में लपेट लीजिए और सो जाइए। आप रजाई ओढ़िए, कंबल ओढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन वो सरक जाता है। तो अगर उसको एक हल्का सा रैप कर दें किसी भी गर्म चीज़ से, शॉल से या किसी चीज़ से, क्योंकि स्वेटर पहनेंगे तो आप सोते नहीं है ना, सोना नहीं चाहिए, तो इसलिए वो जरा सा भी खुल गया तो कमर का जो भाग है वो सेंसिटिव होता है, वो फट से उसमें उसका एक्सपोजर का असर आने लगता है। तो अच्छा क्या होगा कि हम वहाँ पे एक हल्का सा कुछ लपेट लें। अब आप बताइए कि इनमें से आपके कमर के दर्द का कारण कौन सा था, इतने कारण हमने बता लिए, और हमें कैसे पता कि इसमें से आपके दर्द का कारण कौन सा है। तो मैं जब आपके बारे में जानती ही नहीं तो भला मैं एक पॉइंट कैसे बताऊं। अब आपके सवाल के जवाब कि आपने तो नहीं बताया, किसी और चैनल पे मैंने देखा था, तो मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, मैं झूठ बोलूं, मैं आपको बेवकूफ बनाऊं उस चैनल पे, आप लिखिए कि हाँ मुझे बेवकूफ बनना है,
आपसे धोखा खाना मुझे पसंद है, आप मुझे धोखा दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं तैयार हूँ आपको धोखा देने के लिए। मैं आपको जानती नहीं हूँ, बिल्कुल भी पहचानती नहीं हूँ, अधिकांश को तो जानती हूँ क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट और थेरेपिस्ट ही हैं, लेकिन जिनको मैं नहीं जानती, जो पहली बार ही हमारा चैनल देख रहे हैं, वो भी ऐसे तो नहीं जुड़े होंगे। वो कुछ देखा होगा कि हाँ यहाँ पर झूठ फरेब का इस्तेमाल शून्य है, तभी जुड़े होंगे, तो मैं ये रिकॉर्ड मेंटेन करके ही रखूँगी। तो आप कमेंट करेंगे तो भी उसका मेरी सेहत पर कोई असर नहीं आएगा, लेकिन आप सोचिए कि जो चीज़ें संभव नहीं है मैं कैसे करूँ उसका, ये मेरी भी मजबूरी है। आपको क्या लगता है, मुझे पीड़ा नहीं होती होगी आपके कमेंट देख करके कि काश कुछ कर पाती, कि कोई एक दो पॉइंट दे करके ठीक कर पाती? नहीं कर पाती, इसी के लिए मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट का नंबर देती हूँ कि भाई आप आओ वहाँ पे, आप अपनी रिपोर्ट भेजो, रिपोर्ट में देखूंगी, समझूंगी, आपसे बात करूंगी, उसके बाद हम अपनी टीम की मदद से पॉइंट भी सिखाते हैं कि ये पॉइंट है ऐसे ऐसे करिए, और हमें अपना फीडबैक देते रहिए, ये हमारी मजबूरी होती है। तो आई होप कि आप हमारी बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, आप इसको समझें, देखें, और इसी तरीके से आप अपना प्यार भरपूर बनाए रखें और वीडियो को देखते रहें। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।